मैंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। सम टाइम मैं लिटरली उन पे चिल्ला भी पड़ा हूँ। एक महीना तो गाड़ी लगभग सर्विस सेंटर में रही, उसके बाद मैं घर पे जाके चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट नहीं कर रही है। तो द्वारका के पास बैटरी सडनली ड्रॉप करने लगी। मीटर देखोगे उसके साइड में आपको ना लिटरली वो इंटरनल पार्ट दिखाई दे रहे हैं। टाटा वाले कहते हैं कि आपकी डैमेज है, वो शायद वारंटी में कवर नहीं कर। एक बात जाननी है, जो आपकी पहली बार बैटरी जब चेंज हुई थी तो कितने हजार किलोमीटर पे, और उसके बाद सेकंड टाइम पे कितने हजार किलोमीटर पे चेंज हुई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। ईवी की वीडियोस आपने काफी देखी है हमारी, और काफी लोग ईवी में संकोच दिखाते हैं लेने में, और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में ये होता है कि यार बैटरी रिप्लेस करनी पड़ जाएगी, और बैटरी बहुत महंगा पार्ट है गाड़ी का, ईवी का स्पेशली। और आज हमारे साथ एक ऐसा ही केस है, और हमारे पास आए हैं अनिल जी। अनिल जी से हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है। अनिल जी के पास पहले फ्री स्टाइल हुआ करती थी डीजल में, हमने इनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी लिया हुआ है। फ्री स्टाइल के बाद ये नेक्सॉन ईवी पे आए हैं। नेक्सॉन ईवी मैक्स है ये, और एक साल इसको होने वाले हैं जुलाई में, अभी एक साल पूरे हुए भी नहीं है, और गाड़ी अच्छी खासी इन्होंने चला दी है, 41,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिप भी कर दी है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना, वो डर वाली बैटरी वाली, इनके साथ हो चुका है। इस गाड़ी की बैटरी दो बार चेंज हो चुकी है, और इतने पैसे लगाने के बाद अगर ये शुरुआत में किसी के साथ हो जाए, मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा सेंसिटिव बंदा है उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है ना। बट ये गाड़ी वारंटी में थी और बैटरी रिप्लेस हो चुकी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि रीजन क्या रहे, और ओवरऑल जो सर्विस एक्सपीरियंस है टाटा ईवी का वो कैसा रहा, कैसे हैंडल किया उन्होंने, और क्या ये प्रॉब्लम आगे भी आएगी, ये जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, फोर्ड का एक्सपीरियंस लेने के बाद ये टाटा के एक्सपीरियंस में क्या क्या अंतर इनको देखने को मिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मुझे ये बताइए, डीजल से ईवी में जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? फोर्ड फ्री स्टाइल जो मेरे पास थी उससे मैं खुश था, आपको पता ही है। हाँ। उससे कोई मेरे ख्याल से ना खुश वैसा तो होता नहीं। रनिंग कॉस्ट भी बहुत अच्छी थी, मैं एवरेज 20-22 की एवरेज निकाल रहा था। तो ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं था कि मैं ईवी लूं या गाड़ी चेंज करूं, ऐसा भी प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि उसको 1.5 लाख किलोमीटर तक चलाऊंगा, और उसके बाद में वारंटी खत्म होने के बाद मैं गाड़ी चेंज करूंगा। सडनली जा रहे थे मैं और मेरा दोस्त, तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि अब डेली मेरा 125 किलोमीटर के आसपास की रनिंग है, और मैं दिल्ली से गुड़गांव डेली ट्रैवल कर रहा हूं। मेरे पास कुछ पैसा था 10-12 लाख रुपए, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट करूं और मेरे पास रिटर्न आ जाए। तो मेरा पर्पस था इन्वेस्टमेंट, गाड़ी खरीदना नहीं था। तो हम दोनों ने बैठ के कैलकुलेशन करी, यार हम महीने का 17,000 रुपये का डीजल जला रहे हैं, और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? 0। आज मेरी गाड़ी की वैल्यू 4.5 लाख है, हो सकता है 1.5 लाख चलने के बाद ये 2 लाख वैल्यू होगी, तो मैं टोटल मिला के अच्छे खासे लॉस में हो जाऊंगा। तो एक दो और फ्रेंड है, उनके साथ भी कैलकुलेशन करी, सजेशन करा, तो हमने सोचा चलो ईवी लेते हैं, और जितना पैसा मैं डीजल में जला रहा हूँ उसको मैं कहीं पे अकाउंट में सेव करूंगा, चाहे मैं एक SIP ही डाल दूंगा उसकी, जो मैंने किया अभी बाद में। मेरा बजट था 10-12 लाख रुपए, उससे ऊपर मेरे पास पैसा नहीं था बिल्कुल। और रनिंग कितनी होती है आपकी जनरली एक दिन की? मिनिमम 110 किलोमीटर, मैक्सिमम 160-170 किलोमीटर। चलते काफी है, एक साल भी नहीं हुआ गाड़ी को 41,000 किलोमीटर। हाँ, उसमें एवरेज मेरा लगभग अगर पूरे साल का निकालोगे, एक महीना तो गाड़ी लगभग सर्विस सेंटर में रही, तो ये 11 महीने में 41,000 चली है, तो 4 से 4,500 किलोमीटर एक महीने का रहता है। तो सिट्रोन देखी, उसके बाद टिगोर ईवी देखी, टियागो देखी, लेकिन वो मेरे अपने अकॉर्डिंग मुझे ठीक नहीं लगी। फिर एक गुड़गांव में शोरूम में गया, उन्होंने बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग 1 साल पुरानी है, बट आप डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगी, और 1,000 गाड़ियों पे कुछ सब्सिडी भी चल रही है। ठीक है। तो उस टाइम तक शायद 900 कुछ गाड़ी रजिस्टर हो चुकी थी। वो डिसीजन लेते 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 मैंने फिर इस गाड़ी को ले लिया, 19.5 लाख रुपए ये ऑन रोड पड़ी, बट सब्सिडी का जब तक एंट्री करने का टाइम आया वो 1,000 क्रॉस कर गई थी। अच्छा। तो मेरा वो 2.5 लाख का नुकसान हो गया। शुरुआत में तो मुझे टेंशन होती थी, हमेशा नजर रहती थी कि भाई कितनी रेंज बची हुई है। महीना 1.5 महीने चलने के बाद मैं इसमें एक ट्रिप चक्राता का लगा भी लिया मैंने फैमिली के साथ। अच्छा। हम 2-3 दोस्त फैमिली में जाते हैं, तो 2 डीजल गाड़ी थी, 1 पेट्रोल गाड़ी थी, और 1 मेरी गाड़ी। तो यहाँ से हम देहरादून गए, देहरादून चार्ज की चक्राता गए, चक्राता होटल वाले ने चार्जर दे दिया था, मैंने एक एक्सटेंशन वायर भी बनवा ली थी, वहाँ पे चार्ज की, हम पूरा घूमे भी, वापस आ गए। मेरा आने जाने का खर्चा 1,100 रुपये रहा। अच्छा। जो डीजल का 5,000 प्लस आया था। अच्छा। और पेट्रोल शायद 6,000 प्लस। तो उसके बाद लगा ठीक है। उसके बाद सडनली एक दिन मैं फैमिली के साथ आ रहा था, और गाड़ी की जो बैटरी है 3-4% रह गई। उसके बाद मैं घर पे जाके चार्जिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट नहीं कर रही है। घर पहुंचते पहुंचते मुझे लगा कि अब कॉन्फिडेंस आ गया था, मैं चक्राता भी घूम के आ गया हूँ कि ठीक है भाई 100% है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। अब 10-12% बची हुई है और मैं फास्ट चार्जर पे लग रहा हूँ फैमिली के साथ वेट करूँ, मुझे वो लॉजिकल लगा नहीं, घर पास में है। तो अब 3 या 4% पे मैंने घर पहुंचा, चार्जिंग पे लगाई, गाड़ी चार्जिंग शुरू नहीं हो रही है। मैंने कस्टमर केयर बात की, उन्होंने कहा कि हम किसी को भेज देते हैं।
मुझे लगा मेरे घर से 3 किलोमीटर पे ही है चार्जर, मैं वहाँ लेके चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे लेके गया तो 1-2% बैटरी रह गई थी। सर्विस सेंटर वालों ने चेकअप वगैरह किया, उन्होंने कहा सर गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा, हम चार्जिंग करके देखते हैं। ठीक है। तो उन्होंने चार्जिंग ट्राई करी, चार्ज हुई नहीं गाड़ी। उसके बाद मैंने उनको फॉलोअप किया 2-4 दिन तक, शोरूम से तो कोई रिप्लाई नहीं आया, बट एक CRM से मैंने जब थोड़ा सा प्रेशर करा तो उन्होंने कहा सर गाड़ी में भी टाइम लगेगा, हमारे इंजीनियर आएंगे वो चेक करेंगे। तो मैंने कहा मेरा डेली ट्रैवल है, सिंगल गाड़ी है, मैं कैसे ट्रैवल करूँगा, आप कोई लोनर व्हीकल दे दो मुझे। उन्होंने कहा सर वो तो नहीं है, बट मैंने कुछ बजट अप्रूव कराया है आपका पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, आप मुझे बिल दे देना, हम आपको वो पे कर देंगे। तो गाड़ी करीबन 15 दिन वहाँ पे खड़ी रही। 15 दिन के बाद उन्होंने कहा सर बैटरी चेंज हो गई है, आप गाड़ी ले जाओ, और जो बिल दिया था वो भी उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर गाड़ी लेने के बाद 15-20 दिन मैंने फिर चलाई, फिर चलाने के बाद सडनली मैं ऑफिस से दिल्ली जा रहा था गुड़गांव, तो द्वारका के पास बैटरी सडनली ड्रॉप करने लगी, जो 1% में 3 किलोमीटर चलनी चाहिए वो 1 किलोमीटर में 4-5% बैटरी ड्रॉप हो रही थी। अच्छा। तो 3-4 किलोमीटर में मेरी 15-20% बैटरी ड्रॉप हो गई। तो मैं जैसे तैसे घर के घर पे पहुंच गया। तो ये एक प्रॉब्लम ऐसी थी कि आप भरोसा नहीं कर सकते भी सडनली कब ड्रॉप कर जाएगी बैटरी। सही बात है। मैंने उसके लिए कंप्लेंट की, तो लास्ट वाले सर्विस सेंटर से इस बार मैंने चेंज किया। मैं मोतीनगर में गया, ट्रू नॉर्थ में, वहाँ पे गाड़ी मैंने दिखाई। तो वहाँ पे होता क्या है, टाटा वाले खुद नहीं चेक करते, खुद तो उन्होंने लैपटॉप लगा के चेक कर लिया। इसमें एक ऐप होती है टाटा की, उसमें ग्राफ बना हुआ आता है कि आपकी बैटरी कैसे ड्रॉप हो रही है। तो उसमें वो सडन ड्रॉप दिख रहा था कि इतने मिनट पे आपका इतना ड्रॉप है और इतने पे इतना, और उस पर वो भरोसा नहीं करते, वो कहते हम चेक करेंगे। okay. और थर्ड पार्टी का वेंडर आता है, जैसे अगर बैटरी जिसकी लगी है शायद आउटसोर्स करते हैं, तो उनकी कंपनी का वेंडर आएगा, वो चेक करेगा चलाते हुए। okay. और सामने उनके जब वो प्रॉब्लम आएगी तो उसको वो मानेंगे और देन चेंज के लिए अप्रूव्ड करेंगे। सो ऐसा 2-3 बार हुआ, मैं गया सामने प्रॉब्लम नहीं आई, मैं परेशान हुआ, उनको शिकायत करी। इसके बाद में मैंने जो एक टाटा के पर्सन थे, नाम तो उनका मैं नहीं लेता, बट उन्होंने मेरे को बहुत टॉलरेट करा। सम टाइम मैं लिटरली उन पे चिल्ला भी पड़ा, बट उनका नेचर इतना अच्छा था, उन्होंने हर बार मुझे सॉरी ही बोला, सर आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी जरूरत रहती है, मेरा कोई सारा बिजनेस इसी पर चल रहा है, क्योंकि मेरा काम इसी टाइप का है, फील्ड का ही, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद में सेकंड टाइम में गया, एक टाइम में मैं गया उनके साथ बैठा कि आज मैं आपके साथ चलता हूँ, आज प्रॉब्लम आती नहीं आती। हम दिल्ली में लगभग 50 किलोमीटर घूमे, प्रॉब्लम नहीं आई। सर्विस सेंटर में पहुंचे, मैंने वेंडर को ड्रॉप किया, बाहर निकला बैटरी ड्रॉप हो गई। अच्छा। टाटा के शोरूम पे पहुंचा चार्ज करने, वहाँ चार्जिंग शुरू नहीं हुई। फिर मैंने उनको फोन करा, फोटो भेजी, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, हर परसेंट ड्रॉप पे एक फोटो क्लिक कर रहा हूँ कि आपके टोटल किलोमीटर इतने, एक ड्रॉप हो गया, इतने ही किलोमीटर है और ड्रॉप हो गया, उसको भी मानने को तैयार नहीं। जब तक उनके लैपटॉप में शो नहीं करेगा वो आगे भेजेंगे, वो उसी को अप्रूव करेंगे। सो इसके बाद थर्ड टाइम मैंने कहा चलो आज लंबा चलते हैं, हम निकल के बाईपास होते हुए आ गए, लास्ट में 10% के आसपास वो ड्रॉप दिखा दिया, और उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉब्लम है, आपकी बैटरी चेंज होगी दोबारा। ये नई बैटरी लगाने के बाद ऐसा क्यों हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। ये चीज मुझे भी समझ में नहीं आई, पहले तो पुरानी बैटरी में भी नहीं, फर्स्ट टाइम भी नहीं होना चाहिए था। हो सकता है चार्जिंग का जो आपका प्रोसेस है, जो उन्होंने वेंडर ने मुझे समझाया कि आपको गाड़ी जो चार्ज करनी होती है, कोशिश करिए जब भी आप चार्जिंग पे लगाओ उसे 100% तक करो। इसमें बैटरी के मल्टीपल सेल्स हैं, आपके सेल बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई सेल 100% चार्ज है, कोई कम चार्ज है, या फिर मुझे लग रहा था कि शायद इसके सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, बैटरी डाउन हो रही है, बट वो उसमें शो कर रहा है ज़्यादा, बैटरी एक्चुअल कम है, दिखा ज़्यादा रहा है। समाव करते करते मुझे लगा कि 3 महीने में मैंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, मैं इसको बैटरी रिप्लेसमेंट के बाद ZSEV देखने लग गया, और ऑप्शन देखने लग गया कि जाना फिर भी EV में ही था आपको। कोशिश ये थी, मैंने जो थोड़ा सा और वीडियो देखता रहता हूँ, थोड़ा सा गाड़ियों का मेरे को रहता है, फ्री स्टाइल भी मैंने लगभग 6 महीने वीडियो देखने के बाद, R&D करने के बाद ली थी। फिर उसके बाद मैं ZSEV पे लग गया कि भाई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी रेंज भी ज़्यादा है, 10 किलोवाट बैटरी भी ज़्यादा है। हाँ। और वेंडर जो था वही कंपनी ZS को भी बैटरी सप्लाई करती है। अच्छा। जो उसने मुझे बताया, अगर सही है मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि ZS से हमें कंप्लेंट कम है, टाटा से थोड़ी ज़्यादा है, या तो एक कम बैटरी से ज़्यादा रेंज निकालना चाहते हैं, 40 किलोवाट में ये 450 किलोमीटर क्लेम करते हैं, और वो 50 किलोवाट में शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्लेम करने का, तो वो रीज़न हो सकता है। फिर उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे मैं चलाता गया तो कभी प्रॉब्लम नहीं आई, फिर मैं 10% से नीचे ले जाके भी मैंने ट्राई करा, हो सकता है उसके नीचे प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम नहीं आई, तो उसके बाद में कॉन्फिडेंट हो गया कि अब नहीं आएगी दिक्कत। एक बात जाननी है, जो आपकी पहली बार बैटरी जब चेंज हुई थी तो कितने हजार किलोमीटर पे, और उसके बाद सेकेंड टाइम पे कितने हजार किलोमीटर पे चेंज हुई? आई थिंक पहली बैटरी मेरी
12,000 के आसपास चेंज हुई थी, दूसरी बैटरी मेरी 18,000 के आसपास चेंज हुई थी। काफी कम चलाई उसकी, एक सर्विस का ही गैप था सिर्फ। अच्छा। मतलब 7,500 पे इसकी सर्विस होती है, तो सिर्फ एक सर्विस का ही गैप। तो अभी सर्विस कॉस्ट क्या आ रहा है गाड़ी का? हाँ, सर्विस में भी थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि इसकी गाड़ी का जो सर्विस इंटरवल है वो 7,500 किलोमीटर है। एक ईवी गाड़ी के हिसाब से मेरे हिसाब से लॉजिकल तो नहीं है। देखो 7,500 किलोमीटर तो इनका पेट्रोल वाली का भी है, बट ऑयल चेंज उसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ चेकअप होता है। इसका जो मेन, इसमें सिर्फ एक ही ऑयल चेंज होता है, गियर ऑयल, जो मुझे भी थोड़ा सा पता नहीं था। कूलेंट वगैरह भी चेंज होते होंगे? अभी तक तो नहीं हुआ, वो शायद 60,000 पे एक मेजर सर्विस होती है, उस पे चेंज होगा। अभी तक मेरा 2 बार गियर ऑयल चेंज हुआ है, और रेगुलर सर्विस 1100-1200 रुपए, ऑयल चेंज होता है तो 2500 से 2800 रुपए। लेबर कॉस्ट क्या आती है इसकी? वो 1200 रुपए लेबर कॉस्ट ही है। अच्छा, बहुत कम है। ईवी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं 4,000-4,500 में डीजल गाड़ी की सर्विस करा रहा था, वो 10,000 के इंटरवल पे थी। तो ईवी के हिसाब से एक तो इंटरवल ज्यादा क्यों होना चाहिए, कि ना तो इसमें ऑयल चेंज हो रहा है, ना मूविंग पार्ट, ना कोई मूविंग पार्ट इसके अंदर है। वो क्या करते हैं, रेगुलर सर्विस पे लैपटॉप चेक करेंगे, गाड़ी धुल जाएगी। और रेंज क्या निकाल रहे हैं आप मैक्सिमम? आप कह रहे हैं कि फैमिली के साथ बहुत सारी ट्रिप करी है, कहाँ कहाँ की करी है और कैसे कैसे मैनेज किया? एक बार मैं चकराता गया था बैटरी खराब होने से पहले, तो उसमें मैंने यहाँ से देहरादून चार्ज की थी। देहरादून के बाद जहाँ चकरा था, होटल था, वहाँ से चार्जर ले लिया, ओवर द नाइट हम लगा देते थे, फिर हम घूम फिर के आते थे। रिजॉर्ट था, 5 फैमिली साथ में थी, अप एंड डाउन में उतना प्रॉब्लम नहीं आती थी। वापस आते समय मैंने हार्डली 10 मिनट का चार्ज लिया था, यमुनानगर होते हुए करनाल के आसपास, ठीक है, तो हार्डली 1100 रुपये लगा। उसके बाद मैं कसौली गया था लास्ट टाइम मैंने, इसके बाद मैं सिंगल लंबी ट्रिप करने की सोच रहा हूँ स्पीति या मनाली की तरफ में, बट कॉन्फिडेंस के लिए मैं और एक मेरा फ्रेंड है, वो दोनों गए थे कसौली में, हमारी फैमिली है कोई नॉन है, तो यहाँ से कसौली गए। कसौली से हम नारकंडा से 35-35 किलोमीटर आगे गए थे, तो हमने शिमला से पहले चार्ज किया, फिर ठियोंग में ताज होटल में चार्जर है टाटा का, वहाँ चार्ज किया, बहुत अच्छा है, सर्विस वगैरह आराम से मिली जाती है। वहाँ से फिर हम आगे भी चले गए, वापस भी आ गए, नीचे भी पहुंच गए, बैटरी स्टिल 60-70% थी, क्योंकि डाउनहिल में चार्ज ही होती है, तो अब कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि दूर गाड़ी जा सकती है। पहाड़ में भी आपको 200 के एवरेज तो निकाल सकती है ये, 225 किलोमीटर, और जो हाईवे है उस पर 250 किलोमीटर तक आप टेंशन फ्री जा सकते हो, जहाँ पे चार्जर हो, तो आपको चार्जर का इंटरवल है 200 से 250 किलोमीटर का मिनिमम ले सकते हो। बड़ी गर्मी पड़ रही है आजकल, ठीक है, राजस्थान के कुछ ओनर से मैंने बात करी, वो कहते हैं कि चार्जिंग टाइम काफी बढ़ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर भी फील होता है ये सारी चीजें बढ़ जाता है। जो मेरे घर का चार्जर है 7 किलोवाट वाला, अगर वो सर्दी में मैं चार्ज कर रहा हूँ तो पर आवर 16% के आसपास चार्ज करता है, 16-15, 16-17, अभी गर्मी में वो 13-14% पे आ जाता है। और फास्ट चार्जर की बात करें तो, फास्ट चार्जर में मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं करे, लेकिन वहाँ पे स्टैटिक्स में प्रॉब्लम आया, फिर मैंने एक चार्जर देखा अम्बाला में ही, जो बेसमेंट में था टाटा का, तो वहाँ किया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैं शिमला जा रहा था, वो भी खुले में चार्ज था, धूप में प्रॉपर, कसौली और शिमला के बीच में लेफ्ट हैंड में मेन हाईवे पे है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हार्डली मैंने 40-45 मिनट चार्ज लगाया, गया एक कॉफ़ी पी, वॉशरूम यूज़ किया, इतनी देर में गाड़ी मेरी सफिशियंट चार्ज हो गई, मैं आगे बढ़ गया। ताज में मैंने चार्ज किया, वो भी धूप में था प्रॉपर, अंदर गए, वॉशरूम गए, थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी आप लोगे, इतनी देर में गाड़ी चार्ज आपकी हो जाती है। और अगर आपकी ढलान है तो इवन कसौली 300 किलोमीटर है, मैं वहाँ से दिल्ली मेरे घर तक 72% में पहुँच गया, क्योंकि मैक्सिमम एरिया डाउनहिल था, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होती, पर आपकी बैटरी लग भी नहीं रही जीरो। हाँ। तो 45 किलोमीटर तक मेरी 3-4% बैटरी बढ़ चुकी थी। अच्छा। कम होने के बजाय एक सबसे बड़ी एडवांटेज हिल पे ईवी की है कि आपको पता नहीं लगेगा कि आप चढ़ाई पे हो। सही बात है। मैं जब कोई भी मतलब पहाड़ों में बहुत घुमा हूँ, हिमाचल का लगभग सारे एरिया और उत्तराखंड के लगभग अप्रोच लोकेशन तक जा चुके हैं, उसमें पेट्रोल भी चलाई है, सीएनजी भी चलाई है और डीजल भी। अच्छा। आपके गियर पहला दूसरा तीसरा गियर तक आते हैं, आपको वो बार बार चेंज करने ही पड़ेंगे। सेम चढ़ाई इसमें फील नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि अभी चढ़ाई शुरू नहीं हुई। आप हल्का सा चलाओ, रेस दोगे, वो गाड़ी चढ़ जाएगी, एक तो ऑटोमेटिक और बहुत स्मूथ। तो गाड़ी का एडवांटेज बहुत है, जिसको अगर दिन का रेंज 100-150 किलोमीटर की है और जिसको फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, जिसको गाड़ी चलाना एंजॉय करना है, तो वो भी ईवी ले सकता है। आप अगर पेट्रोल लोगे और फन टू ड्राइव गाड़ी लोगे तो 10-12 की एवरेज देगी, महंगी भी आएगी 10-12 की एवरेज देगी हार्डली, जब आप अच्छी तरीके से चलाओगे। आप इसको चलाओ, घर में चार्ज भी करोगे तो 1.5-2 रुपए से ज्यादा नहीं पड़ने वाली आपको, और इससे ज्यादा पिकअप शायद किसी का है भी नहीं, कोई भी पेट्रोल गाड़ी। अभी बीच में जो आपके दिमाग में आया था यार, क्या मैंने बवाल ले लिया, क्यों इतनी परेशानी जब उठानी पड़ रही थी, वो दोस्त भी बोलने लगे थे, अब क्या है स्टेटमेंट आपका? अब स्टेटमेंट ये है कि ठीक है, वो परेशानी मेरे साथ शुरू में, शुक्र है शुरू में आके रह गई, अब ठीक हो गई। अगर प्रॉब्लम नहीं आती
तो बहुत अच्छा डिसीजन है। उसका दूसरा रीजन मैं बताता हूँ। जिस दिन मैंने गाड़ी ली, एक महीने बाद ही मैंने जो 15,000 रुपए में डीजल जला रहा था, मैंने लोन नहीं लिया था, गाड़ी कैश में ले ली थी एक तरीके से, ठीक है, मैंने 15,000 रुपए अपने SIP डाला। आज मेरे को 11 महीने हो गए, तो अगर 5 साल बाद मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो लगभग 12-13 लाख रुपए मेरे पास, मैं हो सकता ज्यादा भी हूँ, 10-12 लाख रुपए मेरे पास सेव भी होंगे। इस 20 लाख की गाड़ी का 8-10 लाख रुपए शायद वैल्यू भी होगी। तो जितना पैसा मैंने खर्च किया है, 5 साल बाद मैं उसी पे डेप्रिसिएशन में नहीं जाऊंगा, आप उसी अमाउंट पे या प्लस में रहोगे। प्लस जो मेरे पास गाड़ी थी शायद वो जीरो हो चुकी, तो मुझे गाड़ी तो फिर भी लेनी पड़ती। जितनी मेरी रनिंग है, मैं 1.5 लाख किलोमीटर के बाद या 1-2 साल में मुझे गाड़ी तो खरीदनी ही पड़ती। और देखो, ईवी उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाती है जिनकी रनिंग इनकी जैसी होती है, बहुत ज्यादा रनिंग। दूसरा, कंफर्ट सिटी के अंदर इससे कंफर्टेबल ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आप एक पैर ऊपर रख के चला सकते हो, पिकअप की प्रॉब्लम नहीं, साइलेंट फीचर पैक, जितने फीचर शायद इसमें है, 18-20 लाख की गाड़ी में आप लोगे तो उसमें क्या रनिंग कॉस्ट आएगी वो एक अलग बात है। बट हाँ, डीजल ऑटोमेटिक अगर मैं यही लेता हूँ तो शायद 15 के आसपास तो होगी ऑन रोड, तो 5 लाख रुपए मैंने लगभग एक्स्ट्रा पे किया है। बट 5 लाख में मुझे स्मूथनेस मिली है, मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट उस डीजल से तो कम है और साथ साथ में रनिंग कॉस्ट कम है। दूसरा क्या है, इसमें टायर वो नहीं लगते हैं, ब्रेक पैड नहीं घिसते। मैंने जो जितना तक स्टडी करा है, आपका जो उस टाइम के बाद मेंटेनेंस कॉस्ट आने लगती है, शायद वो भी इसकी कम होती है। कुछ लोगों का मैंने ग्रुप में फीडबैक देखा है, टायर इनके 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं जब तक अभी घिसे नहीं है, क्योंकि आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही रेस से पैर हटाते हो, वो ऑटोमेटिक रीजनरेशन में जाके स्लोली स्लो होने लगती है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी अब बेनिफिट लग रहा है इनको क्योंकि पैसा बचा रही है, SIP चालू कर दी है नेक्सॉन ईवी के नाम पे इन्होंने। वो इसी के नाम की है, अगर ये नहीं होता वो पैसा डीजल मुझे, मैं उसी से इनकम कर रहा हूँ, वो मुझे पैसा जलाना ही जलाना है। फील्ड आप समझ सकते हो, जिसका फील्ड जॉब है, आप नोएडा से भी आए हो तो वो रनिंग करनी पड़ेगी, मजबूरी है, हम ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते। सही बात है। तो उसके लिए, और दूसरा क्या है कि अगर ये आप गाड़ी खड़ी भी है, सपोज मुझे बाहर वेट भी करना पड़ता, एक घंटे में सिर्फ 4% बैटरी लेती है। अगर मुझे 2 घंटे किसी का वेट भी करना पड़ा तो आप कितना ही पेट्रोल डीजल जला रहे हो उसमें, मैं अपनी गाड़ी में बैठ सकता हूं। 1 घंटे में 1 लीटर उड़ जाता है पेट्रोल, मतलब AC अगर आप चालू करेंगे तो। जो मेरी फ्री स्टाइल थी उसमें दिखाता था पर आवर 0.8 दिखाता था वो। पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल तो और ज्यादा चल जाएगा। इवन जो लास्ट मैंने ट्रिप करा है, मैंने थोड़ा सा कोशिश करके देखी, इसकी सीट फोल्ड हो जाती है, तो हमने कार कैंपिंग की करी थी। अच्छा। तो कसौली से हम अपना बेड बना के ले गए थे और कैफे के पास में गाड़ी लगाई और हम प्रॉपर इसमें सो गए थे, दो लोग साइड टू साइड। ट्राई हो गया, पहले वाला ट्रायल वाला रन था, अब इसके बाद में जैसा आपने स्पीति में देखी है, थोड़ा आगे जाने का इरादा है। अभी जो जाते हैं तो मेरे फ्रेंड के पास किक भी है और इको स्पोर्ट्स, मोस्टली वही लेके जाते हैं, तो अपनी बार सोच रहे हैं इसको लेके जाए। अभी तक तो ये स्टोरी है इनकी, बीच में इन्होंने एक बार कांटेक्ट किया था, तब थोड़ा सा नेगेटिव साइड में था, काफी नेगेटिव। नहीं, टाटा से नेगेटिव चीजें तो अभी भी है इसमें। अच्छा। आप आगे बैठोगे तो आप जो फिट एंड फिनिश है ना, हाँ। अगर आप फोर्ड से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हो, हाँ, ये मेजर डिफरेंस दिखाई देगा। उसके जो छोटी छोटी चीजें आपको आएंगे ना, कि उन्होंने कितना R&D किया हुआ है। अगर आप रिवर्स गियर बारिश में डाल रहे हो तो वाइपर एक बार चलेगा। आप इसका जो मीटर देखोगे, उसके साइड में आपको ना लिटरली वो इंटरनल पार्ट दिखाई दे रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा लगेगा ज्वाइंट से वो टूटी हुई है। आप कैमरे में भी दिखा सकते हो। शुरुआत में मैं इसकी सीट पे बैठता था, मुझे बैक पेन शुरू हो गया था, तो मैंने बैकरेस्ट लिया था। थोड़ा सा हार्डर साइड है क्योंकि लेदर है, या तो वो रीजन होगा, तो वो मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, सर्विस सेंटर पर अगर आप जाओगे ना तो आपको वो फील नहीं आएगा कि आप 20 लाख की गाड़ी सर्विस करवाने आए हो। उनको बार बार जाके अप्रोच करना पड़ता है। जाने के साथ में वो आपको बोलेंगे, सर इसमें लुब्रिकेशन आप करा लो, ब्रेक पैड क्लीनिंग करा लो, ये करा लो। मैंने कहा वारंटी कुछ प्रॉब्लम आ रही करे नहीं, तो वो चाहते हैं कि आपका सर्विस कॉस्ट बढ़ जाए। क्योंकि मैं अपना स्टडी करके जाता हूँ कि आपकी वारंटी में जो प्रॉब्लम आ रही है आप वो करो। तो टाटा की एक अच्छी चीज़ है, ऐप पे जो उनका कॉल सेंटर, वहाँ से इंस्टेंट आपके पास रिप्लाई आ जाता है। इवन अगर बाहर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो होटल का स्टे का कुछ पैसा पे भी करते हैं। अच्छा। अगर मैं आउटसाइड दिल्ली हूँ, कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको कोई भी होटल, आप एक लिमिट सेट है 3,000 रुपये तक का, कोई रूम लीजिए आप, वहाँ रहिए, उसका पे भी आपको करेंगे। एक प्रॉब्लम और थोड़ी सी आती है ईवी वालों को, तो एडजस्ट करना पड़ता है AC को लेके। जब आप थोड़ा सा हायर स्पीड पर चलाते हो ना, कुछ टाइम के बाद अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो जो हवा है वो बैटरी को कूलिंग की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। तो 2-4 मिनट के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे AC काम नहीं कर रहा, गर्मी हो गई है, बट उसके बाद वो वापस से कूल कर देता है। इफेक्टिव है, बहुत अच्छी कूलिंग है, बट
कुछ कुछ टाइम के ड्यूरेशन के बाद जहाँ पे गर्मी ज्यादा है वहां पर वो ऐसा कुछ रिएक्ट करेगा जहाँ पे बैटरी पे लोड पड़ रहा होगा, जैसे हिल पे जा रहे हो या आपकी स्पीड 90-100 है उस जगह पे, अगर वो अंडर लोड चला रहे हो 50-60-70 है, गर्मी भी है, तब नहीं करेगा इसको। ब्रेकर पे थोड़ा सा होंडा सिटी की तरह ना थोड़ा सा फील करके चलाना पड़ता है कि नीचे से लगे ना। और अगर बैटरी डैमेज हुई, मैंने वो भी रिव्यू देखे, अगर आपका नीचे से बैटरी डैमेज या पंचर कुछ हुआ तो वो फिर टाटा वाले कहते हैं कि आपकी डैमेज है, वो शायद वारंटी में कवर नहीं करते, वो इंश्योरेंस में होनी चाहिए फिर। अब वो मेरे पास केस तो नहीं आया, मैंने ग्रुप में मैं हूँ नेक्सोन ईवी की, शुरुआत में मैंने बहुत सारे केस पढ़े भी थे प्रॉब्लम वाले, बट मुझे लगता है अगर किसी के पास नेक्सोन है और उसको प्रॉब्लम नहीं लानी है, कोशिश करो कि आप 100% तक चार्ज करो स्लो चार्जर पे, ज्यादा स्लो यूज करो। और दूसरा, अगर फास्ट चार्ज कर रहे हो 3 या 4 चार्ज के बाद में एक बार उसे 0 to 100 नहीं, जितनी भी आपकी बैटरी वहां से 100 तक जरूर लेके जाओ, सेल प्रॉपर बैलेंस हो जाते हैं। शायद मैं पहले ऐसा करता था जब चेंज होने से पहले कि 80-85% है, चलो काम हो रहा है, निकल जाओ। अब मैं कोशिश हर बार ऐसा करते थे, हर बार नहीं करता था बट निकल जाता था, वो टेंशन नहीं लेता था कि 100% करना है। अब ये है कि मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग लगाता हूँ कि ठीक है 100% हो जाए, कट ऑफ तो अपने आप ही कर देता है वो 100% होने के बाद। तो कोशिश ये करता हूँ 100% तक लेके जाऊँ और उसके बाद करूँ। और कंपनी 3000 चार्ज का तो क्लेम करती है, वैसे तो 800,000 किलोमीटर, अगर आप 3000 चार्ज एवरेज 200 किलोमीटर भी चलाओगे तो 600,000 किलोमीटर हो गया। तो मेरे ख्याल से कोई भी पेट्रोल डीजल इंजन 600,000 किलोमीटर तक आप टेंशन फ्री चला पाओ ऐसा तो कोई है नहीं टोयोटा के अलावा। तब तक काफी खर्चा भी हो जाता है, खर्चा भी इतना आ जाता है, सर्विस का खर्चा हो जाता है आपका, डीजल का खर्चा हो जाता है। 5 साल बाद देखते हैं बैटरी की क्या सिचुएशन रहती है, अभी तो कुछ रेट डाउन हुई है। तो अभी तक ओवरऑल हैप्पी है ये अपनी परचेस से? अब पहले 4 महीने डिप्रेशन में जाने वाला था फिर उसके बाद अब रिकवरी हो रही है। मैं कहता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर सेंसिटिव बायर हो जिसके इतने पैसे एक साथ लगे हो, उसको तो हार्ट अटैक आ जाए कि उसको पता चले कि मेरा सबसे महंगा पार्ट खराब हो गया है, और ऊपर से थोड़ा बहुत आनाकानी दिखा दे सर्विस सेंटर वाले, फिर उसके क्या मन में होगी वो तो देखने वाली। सर्विस सेंटर वाले रहते हैं वो थोड़ा सा चाहते हैं कि चीजें अवॉइड हो जाए, निकल जाए। लेकिन अगर टाटा वाले से आप प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो वो रिप्लाई करते हैं। ओवरऑल अगर 4 महीने को निकाल दें, उस पहले जून से लेके और दिसंबर तक का 6 महीने का पीरियड, पहला 6 महीने एक अलग स्टोरी है, लास्ट के 6 महीने एक अलग स्टोरी है, मतलब साल बदला तो शायद ग्रह बदल गए। अब आप अच्छे से कॉन्फिडेंट हो चुके हैं इस गाड़ी को लेकर कहीं पर भी कहीं भी जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी, इनके इनपुट सही लगे होंगे और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। थैंक यू अनिल जी आने के लिए। और दूसरी चीज, गाड़ी चलती कैसे है, क्या है क्या नहीं है, ये आपको सबको पता है।